कि राज बीजेपी को यह स्वभाव है शिवराज भैया कभी हार ना पावे। मध्य प्रदेश की सारी बहन को वो भैया बने सारे फर्ज निभावे। जब जब भी वह मामा बने और तब तब खाते में पैसा डलावे। निर्धन के घर कन्या दिखे मामा शिवराज सिंहबा को ब्याह करावे। दीनन को दीनानाथ बनो और रहने को पक्के मकान बनावे। रहने को घर और वृद्धा को पिंसल विधवा को कल्याणी नाम धरावे। बिजली मिले भरपूर हमें शिवराज के राज में कष्ट ना पावे। धान बिके बा को दाम मिले और धान को बोनस खाते में आवे। और लाडली बहना योजना चलावे तीर्थर दर्शन योजना चलावे। मध्य प्रदेश में रोए स्वदेश जहाँ चहु और विकास दिखावे। काशी राम कहे सारे देश की जनता से भारत में फिर से मोदी ही आवे। बोलो भारत माता की। अरे हिंदू तो वो है जिन्होंने उज्जैन में मंदिर बनाया, अयोध्या में मंदिर बनाया, काशी जी को जाकर देखो। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, योगी जी की देन है, शिवराज जी की देन है। ये तो पाखंडी है, ये क्या संत है क्या? मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, वहाँ की बात बताता हूँ। मामा जी ने हमारे यहाँ की बच्चियाँ 8वीं तक पढ़ के रह जाती थी। हमने 10वीं तक स्कूल खोले, 10वीं के बाद 12वीं खोली और 12वीं के बाद हमारे समीप चकल्ली वहाँ पे कॉलेज बनवाया। और मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य जहाँ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। ये हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कारण हुआ है। कांग्रेस का हाथ और गरीबों का विकास, ये बात कहते। लेकिन मुझे बताइए, उन्होंने 60 साल राज किया देश में, गरीबों का पता नहीं कर दिया। अब शिवराज सरकार और मोदी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजनाएं बना के और गरीबों को सशक्त और मजबूत किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश चुनावी सर्वे दिखाते दिखाते हमारी टीम कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी पहुंचती है जहां अपने आप जो तस्वीरें हैं वो ये बयां करती हैं कि आखिरकार विकास हुआ है या नहीं हुआ है। क्योंकि एक तरफ बातें करना बड़ी बात है, दूसरी तरफ जो तस्वीरें बार बार कहा जाता है, तस्वीरें कभी भी झूठ नहीं बोलती। बुधरी विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ। ना तो ये जो है राजधानी है प्रदेश की, ना तो ये कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बल्कि एक नगर परिषद है जहां से लगातार जो है शिवराज सिंह चौहान लड़ते आए हैं चुनाव और इस बार भी लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता से जानेंगे चुनाव को लेकर, क्योंकि बार बार कांग्रेस का यह कहना है कि मध्य प्रदेश तो छोड़ दीजिए, बुधनी के क्षेत्र का भी उन्होंने विकास नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है हमने इस बार ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, नए प्रत्याशी को लेकर के आए हैं जिन्होंने हनुमान जी का रोल वेब सीरीज में किया। और तीसरी तरफ अखिलेश यादव का यह कहना है कि हमने एक बहुत बड़ा चेहरा जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने उतारा है, जिनको सब मिर्ची बाबा के नाम से जानते हैं, वो भी जो है नामांकन भरने आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए उनको लेकर भी जनता की राय जानेंगे, क्योंकि सब जानते हैं उनका पुराना इतिहास क्या रहा है, क्या क्या उन पर आरोप लगे हैं और किस तरीके से जो है कितना समय जो है वो बिता करके आए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम काशीराम चौहान है। कहाँ के रहने वाले? सिलगैना का रहने वाला हूँ। सिलगैना के रहने वाले। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कब बना, ये निर्माण कब हुआ, ये स्वामी विवेकानंद जी का स्टैचू और सब? ये शिवराज भैया के समय में हुआ। शिवराज भैया के समय में हुआ। कांग्रेस कह रही है सब कुछ तो दिग्विजय सिंह बना के। 70 साल उनने किया लेकिन कुछ नहीं किया, सब देश को पोला कर दिया। 70 साल में कांग्रेसियों ने देश को पोला कर दिया। इतनी योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने चलाई, अब मैं योजनाओं के नाम गिनाऊंगा आप कि राज बीजेपी को यह स्वभाव है शिवराज भैया कभी हार ना पावे। मध्य प्रदेश की सारी बहन को वो भैया बने सारे फर्ज निभावे। जब जब भी वह मामा बने और तब तब खाते में पैसा डलावे। निर्धन के घर कन्या दिखे मामा शिवराज सिंहबा को ब्याह करावे। दीनन को दीनानाथ बनो और रहने को पक्के मकान बनावे। रहने को घर और वृद्धा को पिंसल विधवा को कल्याणी नाम धरावे। बिजली मिले भरपूर हमें शिवराज के राज में कष्ट ना पावे। धान बिके बा को दाम मिले और धान को बोनस खाते में आवे। और लाडली बहना योजना चलावे तीर्थर दर्शन योजना चलावे। मध्य प्रदेश में रोए स्वदेश जहाँ चहु और विकास दिखावे। काशी राम कहे सारे देश की जनता से भारत में फिर से मोदी ही आवे। बोलो भारत माता की। कमलनाथ जी पे भी बनाया है कुछ? कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, 15 महीना सरकार रही, सब कमलनाथ ने छिंदवाड़े में किया, इधर कुछ नहीं किया। कमलनाथ और बिन के सब ढपोसले जितने 27 योजना निकाली थी, एक योजना पूर्ति नहीं करी। ऐसी अधूरी धूरी बातें करके और देश को सबको डिफॉल्टर कर दिया, किसानों को और किसानों की शान शिवराज सिंह चौहान।
और आप सबके पास भी आऊंगा एक कमेंट इस चीज पर, क्योंकि यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा दावा ठोका समाजवादी पार्टी ने और कहा कि हम एक ऐसे प्रत्याशी को लड़ा रहे हैं मिर्ची बाबा, वो अकेले ही जो है हरा देंगे यहाँ पर प्रत्याशियों को, और इसलिए शिवराज सिंह को हरा दिया। मध्य प्रदेश के अंदर यदि शिवराज जी के सामने कोई से भी बाबा जाए, बाबा साधु संतों का काम है अपने स्थान के, ना कि चुनाव लड़ने का। मिर्ची बाबा पर क्या, मिर्ची बाबा के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जनता उन्हें चाहती है और साधु संतों का तो वैसे ही आशीर्वाद है, मिर्ची बाबा जाए चाहे कोई से भी बाबा जाए। मिर्ची बाबा ने दिग्विजय सिंह के समय संन्यास और समाधि लेने का बोला था, आज तक ली समाधि, हाँ चुनाव में कहा था उन्होंने, कहा था नहीं, ये तो पाखंडी है, ये क्या संत है क्या? मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ, वहाँ की बात बताता हूँ। मामा जी ने हमारे यहाँ की बच्चियाँ 8वीं तक पढ़ के रह जाती थी, हमने 10वीं तक स्कूल खोले, 10वीं के बाद 12वीं खोली और 12वीं के बाद हमारे समीप चकल्ली वहाँ पे कॉलेज बनवाया, और मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य जहाँ मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, ये हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कारण हुआ है। कांग्रेस तो कहती है कुछ किया ही नहीं, 18 साल ठग दिया, तो ऐसा लगता है क्योंकि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है तो उनको तो ऐसा लगा है। यहाँ पे मैं रोड की बात करता हूँ, कांग्रेस के जमाने में मैं तो आजकल की पीढ़ी हमारे बुजुर्गों से पूछो भैया ये इतने गड्ढा था ये रोड में, यही बुदनी में सारा मध्य प्रदेश का मैंने देखा। मामा जी ने PWD के रोड बनवा दी, पंचायत की तो बात नहीं है, PWD के रोड बने हैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व बने। और मैं फिर कहता हूँ इस बार तीन दीपावली बनेगी, तीन दीपावली, एक तो अभी बनने वाली है और दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी जब फिर से शपथ लेंगे, और तीसरी दीपावली हमारे राम भगवान जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और माननीय मोदी जी ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया, जब भगवान अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो ये तीसरी दीपावली इस बार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। युवा साथी ने कहा कि बड़े बुजुर्गों से पूछो, उन्होंने 10 साल देखा है 1993 से 2003 तक देखा। तो प्रियंका गांधी कह रही है सब रोड तो उन्होंने बनाए, इन्होंने तो आके सब बेड़ा गर्क कर, एक भी रोड नहीं थे कभी हमारे भेरुंदा में रोड नहीं थे, और गांव में तो कीचड़ इतना कीचड़ मचता था, एक सीसी रोड नहीं था। आज की स्थिति ये है कि एक कहीं किसी गांव में चले जाओ, किसी खेत में चले जाओ, आप चप्पल पहन के जा सकते हो वहाँ, ये विकास किया है। हाँ ये यही था पहले जो कांग्रेस का राज था, जब वो कहती थी कि कांग्रेस का हाथ और गरीबों का विकास, ये बात कहते, लेकिन मुझे बताइए उन्होंने 60 साल राज किया देश में, गरीबों का पता नहीं कर दिया, अब शिवराज सरकार और मोदी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक योजना बना के और गरीबों को सशक्त और मजबूत किया है। तो अभी भी कांग्रेस कह रही है हमें लाओ हम गरीबी हटाएंगे, अरे आप क्यों मानेंगे, कितनी बार कल दिग्विजय वो बोल रहे थे, कमल एक मिनट बोलने दो, अभी कल कमलनाथ बोल रहा था पिछली बार कि मैं कर्जा माफ करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, आपको दिख रहा क्या हुआ, किसी का कर्जा माफ, सारा पैसा खा गया और कुछ बचा था तो वो छिंदवाड़े में खर्च कर दिया, क्या छिंदवाड़े ही मध्य प्रदेश को चलाएगा? मतलब बुधनी, रायसेन, विदिशा, कितने विधानसभा क्षेत्र है, इनमें भी कुछ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, कहाँ क्या है? और ये शिवराज जी की यहाँ देखिए बुधनी एक मंदिर की तरह सुंदर दिख रही है, क्या लगता है? मैं ये बता रहा हूँ कि इस बार भी लालच, पिछली बार लालच दिया था 2 लाख 10 लाख यानी 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ करूंगा, 1 2 3 गिन के गिनाए थे, 10 दिन के बाद क्या 15 महीने में भी नहीं हुए, वही कह रहे हैं 15 महीने बहुत कम समय था, 5 साल दो पूरे हमको, अरे काय का 15, अरे 1 महीने में कर दिया शिवराज सिंह ने जो करना है। एक सेकंड बाबूजी, जब कांग्रेस सरकार पावर में थी और उनको सालों साल उनके थे, तब 12,000 करोड़ रुपए चिदंबरम विदेश ले गया, अगर वो यहाँ उस पैसे खर्च करके और कोई उद्योग लगाता कितने लोगों को रोजगार मिलता, तो उनको और बिठा के क्या देश को बाबा बनवाएंगे, भिखारी बनाएंगे, क्या विदेश मांगने खाने जाएंगे? आप बोलिए भाई साहब, कह रहे थे उसको और एक बार बना। अभी आप भी कुछ कह रहे थे, आऊंगा। इन्होंने सबसे पहले किसानों के हित की योजना थी ट्रांसफार्मर योजना, सबसे पहले आते से वो ही बंद करी, इससे किसान महंगे ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। उन्होंने अब मामा जी आए तो उन्होंने फिर से योजना चालू करी है वाले, गरीब बेटियों की शादियाँ की, गरीबों को मकान बना के दे रहा है, बच्चा पैदा होने से मरने तक पैसा दे रहा है, इतनी अच्छी सरकार कहाँ हो सकी थी भाई साहब? मैंने करीबन मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री देखा, सुंदरलाल पटवा देखा, दिग्विजय सिंह देखा और अर्जुन सिंह देखा,
और हमारे ये राजा साहब दिग्विजय सिंह जो राजा साहब जो हिंदुओं को गाली देते, तू कैसा हिंदू है? हिंदुओं के खिलाफ बात करता है, मंदिरों के खिलाफ बात करता, और आज नहीं उनकी आप एक मिनट एक मैं नहीं मुझे बोलने दो, डरता नहीं हूँ मैं, वहाँ चल जाऊंगा राजा को पूरा रंग कापेर में माथे में रंग लगा कर चल रहा बैल जैसे दिवाली सजा जाते हैं। अरे हिंदू तो वो है जिन्होंने उज्जैन में मंदिर बनाया, अयोध्या में मंदिर बनाया, काशी जी को जाके देखो, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन है, योगी जी की देन है, शिवराज जी की देन है। सड़कनपुर में बन रहा मंदिर कहाँ कहाँ? हाँ, इतना विकास हुआ है कि 70 साल में नहीं हुआ, इतना विकास 15 साल में हुआ है, 20 साल में। प्रियंका गांधी तो कह रही है सब तो दिग्विजय सिंह बना के गए हैं। दिग्विजय सिंह ने क्या किया था 10 साल मतलब राज करके और चला गया बंडल करके सरकार को, मतलब बंटा डहर सरकार के नाम से जानते हैं उसे लोग, खजाना खाली करके चला गया। क्या वो कह तो रहे थे पैसा ही नहीं है यहाँ पर? हाँ तो पैसा की तो वो रोते ही हैं, वो तो रोते ही है। कमलनाथ कहता था मेरे पास पैसा नहीं है, सारी योजनाएं ठप कर दी थी, उसके बाद में जब मामा आए तो उनने मतलब चालू करी, फिर से चालू की। तो ऐसे ही जनता की आप बातें लगातार जब सुनते रहेंगे तो समझ में आएगा कि जनता का रुझान क्या है। 17 नवंबर कुछ कहना चाहते हैं आप? आ जाइए जल्दी, कंक्लूड कीजिए जल्दी, एक आखिरी कमेंट। हाँ। देखो उन पे तो माँ नर्मदा की कृपा है। हाँ। निक्षी जलधार जोर पर्वत पाताल फोर, दुष्टन के गर्भ मूल प्रगति महारानी, अमरकंठ प्रकट भई सागर सो मिलन गई, मध्य कोट तीर्थ चे मुक्त की निशानी, जय जय जगदम्बे मात नर्मदे भवानी। उन पे तो माँ नर्मदा की कृपा है और उनकी बड़ी कृपा है, मैया की बड़ी कृपा है, भगवान की जागेश्वर की और महंकालेश्वर की कृपा है, और वो शिवराज भैया 5वीं बार में मुख्यमंत्री बनेंगे, उनके इतना आशीर्वाद है भगवान का उनके प्रति। आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आइए, क्या नाम है आपका? तुम ही बोलो भैया। हाँ हाँ, इधर लगाओ। हाँ बोलिए सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र चौहान। कहाँ के रहने वाले? जोनतला के। जोनतला के रहने वाले। कांग्रेस कह रही है मध्य प्रदेश छोड़ो, बुधनी से भी हारेंगे मामा इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस छोड़े और पूरा भारत छोड़े, क्योंकि शिवराज जी ने जो विकास किया है वो कभी किसी ने किया। दिग्विजय सिंह के टाइम आपने रोड देखा था क्या स्थिति थी? आप भी होगा 30-40 साल के, भोपाल जाने में डिलीवरी रस्तों में हो जाती थी। ये तो मेरे को बहुत लोगों ने बताया, डिलीवरी वाला केस है। बिल्कुल सही बात है। क्या नाम आपका? भगवत सिंह पंजाबी। कहाँ के रहने वाले? बख्तरा के। बख्तरा के रहने वाले। क्या ऐसा होता था क्या? अरे हम तो साथ रहे हैं ना शिवराज जी के, कार सेवा में गए थे, आज ये हनुमान भक्त बन रहा है। 1900 जी 9 दिन जौनपुर जेल उत्तर प्रदेश में रहे। जौनपुर जेल में रहे जी, मैं और शिवराज सिंह साथ थे। आप और शिवराज सिंह चौहान साथ थे जब वो विधायक थे यहाँ से। और शिवराज को तो कोई हरा ही नहीं सकता, माइका लाल दुनिया में नहीं पैदा, कोई लड़ ले, राहुल गांधी लड़ ले यहाँ से। अच्छा, जो आप बता रहे हैं जौनपुर आप रहे जेल में, इधर कांग्रेस कह रही है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है 22 जनवरी को, तो एक पार्टी का थोड़ना है, हमारा भी जो है राम मंदिर है, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस बैकडोर से चली गई है इलेक्शन कमीशन के पास कि मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, जितनी राम मंदिर की होर्डिंग्स लग रही हैं सब होर्डिंग्स को हटा दो मध्य प्रदेश से, तो क्या कहेंगे? थोड़ी हटाओगे दिल से, थोड़ी हटाओगे होर्डिंग्स हटाओगे? नर्मदा जी का जल गाँव में घर घर पहुँच रहा, एक बोतल ले जाते थे हम बॉटल जल नर्मदा जी का, घर में पानी पीने के लिए नर्मदा जी का जल है, कोई माई का लान नहीं पहुंचा सकता था नर्मदा जी का जल, जो गांव गांव पहुंचा दिया शिवराज जी। सही बोल रहे हैं क्या? सही, बहुत सही बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी ही कर सकते हैं ये काम, अद्भुत काम करने का, काम करने सिर्फ शिवराज जी ही कर सकते हैं, बाकी किसी के बस की नहीं है। कांग्रेस तो कह रही है ठग दिया, कल कह रहे हैं दिग्विजय सिंह ठग दिया। कांग्रेस का, कांग्रेस झूठ बोलने की उनकी परंपरा है, वो झूठ बोलने का उनने धंधा खोल लिया है, झूठ बोल के सत्ता पा लेना, झूठ बोल के जनता को गुमराह करना, ये कांग्रेस की नीति है। 2 लाख तो कहा था कर्जा माफ किया तो होगा? 1 रुपया नहीं हुआ, 1 रुपया मेरा 50,000 रुपया था, वो नहीं हुआ। छाट बीन का करे कुछ नहीं किया बनना है।
कोई कोई के नहीं की, सब जनता के करते नहीं। शिवराज भैया एक निगाह से देखते हैं सबको, पूरे मध्य प्रदेश को। उनका उनका घर है, उनका परिवार है। ऐसे शिवराज भैया है, जन जन की पहचान है, फिर भाजपा फिर शिवराज है। और नर्मदा मैया की लहरों से उठी आवाज है, फिर भाजपा फिर शिवराज है। और महंकालेश्वर से उठी आवाज है, फिर भाजपा फिर शिवराज है। और जागेश्वर से उठी आवाज है, फिर भाजपा फिर शिवराज है। आपका क्या नाम है? तेज सिंह चौहान। कहाँ के रहने वाले? बख्तरा के। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की सरकार आएगी? क्या कारण है? क्यों काम अच्छे किए मामा जी ने? काम अच्छे किए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे? क्या नाम? सबसे बड़ा काम तो महिलाओं के लिए जो पैसे डाले हैं वो महिलाएं ही काफ़ी है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ये हम लोग सारे सब स्वतंत्र वोट डालने के लिए, मेरे घर में महिलाएं कहाँ दे रही मुझे नहीं पता, लेकिन शिवराज जी से वो दूर कभी नहीं होगी। तो उनके लिए तो महिलाएं ही काफ़ी शिवराज जी के लिए। बाकी ये तो बोनस में है हम लोग तो। आप बोनस में है सब? हाँ बोनस में है सब, बिल्कुल। कांग्रेस सब केंद्र के लिए राहुल गांधी आज तक नहीं बोल पाया, वो प्रदेश के लिए दिग्विजय सिंह। दिन भर हिंदुओं को गाली देने के सिवा उनके पास कोई काम नहीं। जिस राम मंदिर की आप बात कर रहे हैं, 20-20 वकील लगे थे, कभी अस्तित्व माने ही नहीं। और आज भी देख लो वो यही कह रहे हैं गौ माता खाने में कोई बुराई नहीं। ताकि आपने यहाँ पर राय सुनी, ना ही केवल राय, वो इमोशन निकल करके सामने है। क्योंकि हम इस समय 230 विधानसभा वाली मध्य प्रदेश की ऐसी सीट पर हैं जिसने कई वर्षों तक एक विधायक नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री देने का काम किया है। जी हाँ, बुधनी शिवराज सिंह चौहान जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और सीधे तौर पर जनता की राय आप यहाँ पर सुन सकते हैं। और इस पूरी चर्चा पर आपको जो भी लग रहा हो, अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपके तक जनता की राय इसी तरीके पहुँचाते रहेंगे।